अस्सलाम वालेकुम। बच्चों और बूढ़ों में दो चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं, एक ज़िद और दूसरा कमज़ोरी। कमज़ोरी की जो मेन रीज़न होती है वो है ज़िद, ज़िद करना कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये चीज़ नहीं लेनी, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लेनी है, वो चीज़ें खानी है जिनमें ग़िज़ाइयत कम है, जिनका फ़ायदा कम है, वो चीज़ें इस्तेमाल करना। ये चीज़ें जो हैं ये हंगर को तो सेटिस्फाइड करती हैं, मैदा भरती हैं, लेकिन हमारे जिस्म को ग़िज़ाइयत नहीं पहुँचाती। वो ग़िज़ाइयत जिसकी दोनों उम्रों में ज़रूरत होती है, बचपन में भी और बुढ़ापे में भी। अगर ऐसे हालात हैं आपके घर में, कोई बच्चे में या बूढ़े में, कि वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, उसकी कमज़ोरी सामने नज़र आ रही है, तो आप ऐसे बच्चे और ऐसे बुज़ुर्गों को ये इंश्योर यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, ये एक मुकम्मल डाइट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट भी है, इसमें प्रोटीन्स भी हैं, इसमें विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, इसमें सब कुछ है जो उनको चाहिए। खासकर बड़ी उम्र के लिए तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा आपको कि आप उनको ये यूज़ करवाएं। अगर उनको कोई इशू नहीं होता इससे, कोई मतलब बलगम वगैरह का या अस्थमा का प्रॉब्लम नहीं है, तो शायद उनको लगेगा कि ये उन्हें ठंडा लग गया है या उन्हें कोई और इशू हुआ है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और वो माएँ जो परेशान रहती हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये जो परेशान रहना है ये सिर्फ़ एक परेशानी होती है, इसमें हकीकत नहीं होती कि उनका बच्चा कमज़ोर है, वो कमज़ोर नज़र आ रहा है, वो खाना पीने का मतलब उन्हें लगता है कि वो कमज़ोर है। वो माएँ भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इसको यूज़ कर सकती हैं। उसके अलावा वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, वो भी प्रोटीन शेक के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें उनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उनके लिए सब कुछ है। मसल बिल्ड करने की भी इसमें कैपेसिटी है, मसल को स्ट्रेंथ करने की भी कैपेसिटी है इसमें, और आपका जो एक्सरसाइज करने का पीरियड है उसको भी ये इनलेंथन कर सकता है, बढ़ा सकता है। अब इसका यूज़ जो है ये आपने सिंपल पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करना है। खासकर बुज़ुर्गों में आपने दूध वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो उनको इशू कर सकता है, उसमें उनके डाइजेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, या वैसे कोई एलर्जीज वगैरह जो होती हैं वो आ सकती हैं, वो उनको प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी ये सिरिंज फीडिंग में भी यूज़ हो सकता है उन लोगों में कि जिनको बिल्कुल वो मुंह से कुछ नहीं ले रहे, आप उनको उनके एनजी लगी हुई है, एनजी पास है, आप उसमें सिरिंज के तौर पे से भी इसको जो है वो उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर ग़िज़ा है तो वो उनकी तमाम ज़रूरियात को मुकम्मल करेगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।